Welcome students, today we will study the character sketch of Rodolphe Reisendahl, who is the protagonist of the novel or the hero of the novel, The Prisoner of Zenda. In the previous lecture, we studied the summary of the novel written by Sir Anthony Hope, The Prisoner of Zenda, 22 chapters. Today we will study the character sketch. This novel is taught in second year English in syntax. तो आइए इसका करेक्टर स्केच पढ़ते हैं। रोडल्फ रेजेंडल बेसिकली ये हीरो है नोवेल के। रोडल्फ रेजेंडल इज द हीरो ऑफ द नोवेल। ये नोवेल के ये साहब जो हैं हीरो हैं। ही इज अ यंग मैन ऑफ 29 इयर्स ऑफ एज। ये यंग है, इनकी उम्र है 29 साल। ही इज अ टॉल, एक लंबे है कद इनका। इम्प्रेसिव एंड हैंडसम यंग मैन, और बड़े ही पुरकशिश और हैंडसम यंग मैन है ये। ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे हैं और काफी इंटेलिजेंट है। रेजेंडल इज अ बॉर्न सोल्जर, जो हीरो है ये पैदाइशी तौर पे आप इनको कह लीजिए एक किस्म के सोल्जर है। ही इज अ स्किलफुल शॉट्समैन, वो एक बहुत अच्छे तलवारबाज हैं, तलवार चलाना जानते हैं, फाइटिंग जानते हैं, हॉर्स राइडिंग जानते हैं। अ वेरी गुड शूटर एंड एन एक्सपर्ट राइडर, तो शूटर भी हैं और राइडर भी हैं, तो तमाम हीरोज की क्वालिटीज इनमें मौजूद हैं। He fights bravely against the six hirelings of the Black Michael. Black Michael जो है वो antagonist है, novel का villain है। तो वो लड़ता है बहादुरी से छह आदमियों से जो Black Michael के persons हैं, hirelings। He goes to Zenda alone to get information and spends the night in the moat. तो वो जाते हैं जेंडा के किले में, जहां पे उन्होंने बादशाह को ब्लैक माइकल ने कैद करके रखा है, और रेजेंडल मौत में अपना टाइम गुजारते हैं। मौत से मुराद यहाँ पे ऐसा किला के चारों तरफ उसके पानी है और उस बीच में जो है वो किला बना हुआ है। ऑल दीज क्वालिटीज मेक हिम द मोस्ट डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। ये तमाम खूबियां बहादुरी की उनको बनाती है डोमिनेंट कैरेक्टर, प्रोटैगनिस्ट या फिर हीरो ऑफ द नोवेल। ही लव्स टू प्ले विद डेंजर्स, वो पसंद करता है खतरों से खेलना, खतरों का खिलाड़ी है। सो ही वेंट टू रूरिटेनिया, तो रूरिटेनिया जाता है। रूरिटेनिया बेसिकली एक ख्याली रियासत है, सेटिंग नोवेल की जो है रूरिटेनिया में, जो कि सेंट्रल लंडन में, सेंट्रल यूरोप में है। बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल रिजेंबलेंस विद द किंग, सेप्ट एंड फ्रिट्स रिक्वेस्ट हिम टू प्ले द रोल ऑफ द किंग। जब ब्लैक माइकल ड्रग वाइन पिला के उसको क्राउन प्रिंस को किडनैप कर लेता है, जेंडा के किले में डाल देता है, तो कर्नल सेप्ट और फ्रिट्स जो के जनरल्स हैं आर्मी के, हीरो से कहते हैं रोडल्फ रेजेंडल से कि आपकी शक्ल क्योंकि बादशाह से मिलती भी है, पॉइंटेड नोज है, रेड हेयर है, वाइट स्किन है, तो बादशाह का रोल प्ले करो प्रोटेगनिस्ट के तौर पे, या फिर आप इम्पर्सनेट करो किंग को, जो कि कोरोनेशन सेरेमनी हो रही है वो, उसको डिले नहीं होना चाहिए। He is well aware of the risk. तो वो उनकी रिक्वेस्ट पे जो है वो बादशाह का किरदार अदा कर रहा है बेसिकली, और बादशाह को उसे आजाद भी करवाना है। ही इज वेल अवेयर ऑफ द रिस्क, खतरों के बारे में बहुत अच्छी तरह से वो आगाह है। बट ही एक्सेप्ट द चैलेंज एंड प्लेज हिज रोल इन ऑर्डर टू सेव द किंग, और वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि वो बादशाह का रोल प्ले करे बादशाह को आजाद कराने के लिए। हिज लव फॉर एडवेंचर टेक्स हिम टू द समर हाउस वेयर ही सक्सेसफुली फाइट्स विद द थ्री मैन ऑफ द माइकल हु हैड कम टू किल हिम। उसका जो लव है एडवेंचर करने का, फाइट करने का, लड़ने का, तो वो समर हाउस पहुंच जाता है और वहां वो लड़ता है थ्री मैन से, जो कि माइकल के होते हैं, ब्लैक माइकल विलन के, उनको किल कर देता है, जान से मार देता है। ही सेव्स हिमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ टी टेबल एंड एस्केप्स अनहर्ट, और वो अपने आप को बचाता है टी टेबल की मदद से, और बगैर कोई चोट खाए जख्मी हुए वो वहां से आजाद हो जाता है, भाग जाता है, फरार हो जाता है। ही प्लेज अ लीडिंग रोल इन द कॉम्प्लिकेटेड ड्रामा एंड डिफीट्स माइकल, वो एक अहम किरदार अदा करता है कॉम्प्लिकेटेड ड्रामे में, और डिफीट करता है, शिकस्त देता है ब्लैक माइकल को। ही हैज टू प्ले द पार्ट ऑफ द किंग एंड हैज आल्सो टू फाइट अगेंस्ट ब्लैक माइकल, बट ही ऑलवेज कम्स
comes out successful because of his qualities. तो वो अपना किरदार अदा करता है बादशाह के तौर पे, फाइट करता है ब्लैक माइकल के बंदों से, ब्लैक माइकल से, क्योंकि वो ये तमाम खूबियां रखता है. His behavior is praiseworthy as a king. तारीफ के लायक है उसका बिहेवियर एज अ किंग. Everyone admits that after the coronation, the king has become more clever. हर शख्स इस बात को एक्नॉलेज करता है, तस्लीम करता है कि कोरोनेशन सेरेमनी के बाद जो है कि किंग हैज बिकम मोर क्लेवर, के बादशाह जो है बहुत चालाक हो गया है, बहुत होशियार हो गया. बेसिकली बादशाह को तो किडनैप किया हुआ है ब्लैक माइकल ने, ये तो इम्प्रेसनेट किया हीरो ने, प्रोटैगनिस्ट ने, जिसका नाम है रोडोल्फ रेजेंडल. बादशाह का नाम रोडोल्फ एल्बर्ग है, सिर्फ उसकी शक्ल बादशाह से मिलती हुई है. तो लोग ये समझते हैं कि ये जो है असल बादशाह यही है और इसके बिहेवियर में कुछ चेंज आ गया है. प्रिंसेस फ्लाविया सेज दैट शी स्टार्टेड लव विद द किंग आफ्टर द कोरोनेशन. और प्रिंसेस फ्लाविया जो कि शहजादी है, वो ये कहती है कि कोरोनेशन के बाद जो है उसे उससे मोहब्बत हो गई है, क्योंकि बादशाह के बिहेवियर में वो कुछ चेंज देख रही है जो कि वो पहले कभी नहीं देखती थी, क्योंकि वो उसको बादशाह समझती है. हकीकत में वो बादशाह रोडोल्फ एल्बर्ग नहीं होता, वो रोडोल्फ रेजेंडल है, हीरो है. ही इज अ ब्रेव एंड फियरलेस मैन, वो बहादुर है और बेखौफ इंसान है. हिज फाइट विद द मैन ऑफ माइकल इन द लास्ट सीन इज प्रेज़वर्दी. ब्लैक माइकल के आदमियों से जो उसकी लड़ाई होती है लास्ट सीन में, वो काबिले तारीफ है. ही इज अ गुड स्कीमर, बहुत अच्छा स्कीमर है. His plans are well prepared, बहुत अच्छे prepared इसके plan है. The plan that he makes for release of the king proves that he is an intelligent man. जो वो plan बनाता है बादशाह को आजाद कराने के, ये चीज़ साबित कर देती है कि वो एक intelligent आदमी. Resendal has a strong sense of beauty, एक strong sense of beauty भी रखता है वो. He never forgets for a moment that he is a restore the throne to its rightful owner, Rodolf Helper. वो ये अच्छी तरह जानता है कि वो अपनी ड्यूटी सिर्फ अदा कर रहा है और सही बंदे को उसका इक्तदार वापस दिलाना है, उसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाना. ही इज अ मैन ऑफ ऑनर एंड कंटिन्यूज हिज एफर्ट्स फॉर द रिलीज ऑफ द किंग. ईमानदार आदमी है वो, और वो अपनी कोशिश करता है तमाम तर बादशाह को आजाद कराने में. He does not reveal his identity to Princess Flavia, although he sincerely falls in love with her. अपनी पहचान वो Princess Flavia को नहीं बताता है कि वो बादशाह नहीं है, बल्कि बादशाह की शक्ल जैसा एक शख्स है, एक इंसान है, एक आम आदमी है, और वो sincerely उससे मोहब्बत भी करता है, लेकिन इसका कोई नाजायज फायदा नहीं उठाता. He sacrifices his love for the sake of beauty. सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी के लिए वो अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देता है. प्रिंसेस फ्लाविया लव्स हिम एंड इज रेडी टू गो विद हिम, बट ही मेक्स नो अटेम्प्ट टू गेट हर. प्रिंसेस फ्लाविया भी उससे मोहब्बत करती है बे इंतहा, और वो उसके बिहेवियर में कुछ चेंज भी देखती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी को याद रखता है. ही नोज दैट Like the crown of Ruritania, she is also the trust of the king. क्योंकि वो हीरो जानता है कि जिस तरह से रूरिटेनिया का जो तख्त ताज है, इसी तरह से जो प्लेस है, जो ट्रस्ट है किंग का, वो भी उसको बहाल रखना है, ना कि उसका नाजायज फायदा उठाना है, क्योंकि प्रिंसेस फ्लेविया जो है वो अमानत है बादशाह की. He is a kind hearted and helpful man and helps Lady Mohban when she wants to be rescued from Michael and his men. वो kind hearted आदमी है, helpful आदमी है. Lady Mohban जो कि French lady है, जब वो ये चाहती है कि when she wants to be rescued from Michael and his men, जब वो Black Michael से अपने आप को बचाना चाहती है, तो उसकी मदद मांगती है और वो उसकी मदद के लिए आ जाता है. Due to these extraordinary qualities, He impresses Sept, Fritz and Flavia. तो क्योंकि बादशाह की गैर मौजूदगी में उसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज जो कि खूबियां हैं एक नेक इंसान की, वो इम्प्रेस करती हैं नोबल मैन एज अ नोबल मैन सेप्ट को और फ्रिट्स को और फ्लाविया को. वो इसकी शख्सियत से मुतासिर होते हैं. दे ऑल लव हिम बिकॉज ही इज सिंसियर.
वो तमाम लोग इससे मोहब्बत करते हैं क्योंकि बड़ा सिंसियर इंसान है, ड्यूटीफुल इंसान है। तो लिहाजा ये था आखिर में वो जो रॉडर ब्रेजेंडल है इसको आजाद करा लेता है बादशाह को ब्लैक माइकल से, और प्रिंसेस फ्लाविया को उसके हवाले करता है, तख्तो ताज बादशाह के हवाले करता है और चला जाता है सीन से। ये थी कहानी द प्रिजनर ऑफ जेंडा के कैरेक्टर रॉडर्फ एल्बर्ग, रॉडर्फ ब्रेजेंडल हीरो की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।